इस वक्त हम जब जिसके मेकअप रूम में है वहाँ पर जो है ना अभी खाने पीने का बंदोबस्त पूरा हो चुका है और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं तेनाली जी हमारे साथ मौजूद है। Hello, hi, what's up? सबसे पहले क्या चल रहा है आज यहाँ पर? हमने देखा कि बहुत सही टाइम पे आए हैं, हमको ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं मणि महोदय, आप तो वहाँ पर बड़ी ऐश मस्ती कर रहे हैं लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। हम देखिए हमारे सेट पर अभी हमारा ब्रेक टाइम हुआ है, मम्मी के बने हाथ का बना खाना लेकर आए हैं और मैं और शारदा जो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हैं अभी हम साथ में खाना खाएंगे। शारदा से मिलिए। प्रस्तुत है तेनाली रामा का दस्तरखान, यहाँ जो बिछा है हमारा 7-course, 24-course meal। मैं हमेशा चुपचाप आ जाती हूँ तेनाली के कमरे में लंच के टाइम, क्योंकि मैं खुद तो सिर्फ इतना छोटा सा डब्बा लाती हूँ खाने का और तेनाली हमेशा बहुत कुछ लाता है। तो कृष्णा का खाना मेरा फेवरेट है, बचपन से मेरी आदत है दूसरे लोगों का खाना चुराने की और मैं आके कृष्णा का खाना चुराती हूँ रोज। ये देखिए कि मैं कितना सारा खाना लाता हूँ, ये यहाँ पर भरा हुआ है ये सब और हम लोग रोज़ साथ में खाना खाते हैं। तो आप देखना चाहेंगे कि मैं टिफिन में क्या क्या लेकर आता हूँ? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मी ने क्या क्या दिया है। ये किसने क्या भेजा है? अच्छा ये देखिए अभी एक नया ऐड हुआ है, अम्मा जो प्ले करती है निमिषा वखारिया, उन्होंने मेरे लिए उंदियू भेजा है। उंदियू है ना, उंदियू भेजा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अम्मा केवल कृष्णा के लिए खाना भेजती हैं और मेरे लिए कभी कुछ नहीं भेजती। ये जो सारा सास का अच्छा ड्रामा करती है ना, वो सिर्फ ऑन स्क्रीन करती हैं, ऑफ स्क्रीन वो कृष्णा को मुझसे ज्यादा प्यार करती। पुत्र तो पुत्र होता है, क्या किया जाए। आई थॉट बहू एंड बेटी इज द सेम सेम। एक्चुअली सच बताऊं तो उन्हें पता है कि मैं इनका खाना चोरी करने यहाँ आ जाती हूँ, इसलिए वो इन्हीं को भेजती है क्योंकि इन्हें पता है मुझे अकेले भेजेंगी तो इनको कभी नहीं मिलने वाला। जिस तरह से परोसा जा रहा है यहाँ पर, मुझे लगता है किसी न किसी के मुंह में पानी आ रहा है वहाँ बैठे बैठे। अरे मणि महोदय, आपके मुंह में तो बड़ा पानी आ रहा होगा। जब भी हम खाने के सीन्स शूट करते हैं हमारी यूनिट में एक्स्ट्रा खाना लाया जाता है अगर मणि उस सीन में है, क्योंकि वो सबके हिस्से का खाना खा जाते हैं। वाओ, तो आज मेरी टिफिन में है पुलाव और छोले और उसमें है पराठे, उंगियू, इसमें है पापड़ और इससे बेटर लंच क्या होगा। आप वहाँ देखकर अपनी आपके मुंह पे जरूर पानी आ रहा होगा मणि, पर क्या करें, आपको तो तथाचर्य के थप्पड़ खाने की आदत है ना, खाना तो आपको जमता नहीं है, तो आप उनके थप्पड़ और लात और घूसे खाइए, हम खाना खाते हैं। क्या है आपको मैं ये बता दूं कि इन सब में से इनकी सबसे फेवरेट चीज इस थाली पे क्या है, आप प्लीज गौर कीजिए, ये मिर्ची, इसके बिना इनका खाना नहीं होता। ये मिर्ची और प्याज के बिना ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, इनकी फेवरेट चीज है ये। पता नहीं इतनी मिर्ची और इतना क्या बोलते हैं इसको, अनियन, प्याज खा के इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? मालूम हो तो मिर्च खाने से गला साफ होता है और आपकी आवाज प्रॉपरली रहती है, जो कि मेरी है, आई गेस मिर्च का असर है। तो हाँ इस तरह से हम रोज यहाँ खाना खाते हैं साथ में, बाकी लोग तो नहीं ज्वाइन कर पाते हमें बिकॉज हमारे रूम छोटे छोटे हैं, बट हम दोनों आपस में काफी खुश यहाँ पे खाना खा लें। लेकिन ये मिर्ची की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाँ एक्चुअली कुछ ज्यादा ही है, उन्हें पता था शायद आप लोग आने वाले हैं इसलिए मुझे स्पॉट दादा ने 5 मिर्च दे दिए हैं। मैं एक्चुअली इसमें से हार्डली 2 मिर्च खाऊंगा, इतनी मिर्च नहीं खा सकता मैं। सारी खत्म कर देते हैं, मैं इतनी तो खा लेता हूँ, शारदा तो इतनी सी मिर्च नहीं खा सकती, उसने इतना सा मिर्च खाया नहीं कि नाक, कान, आँख, मुंह सब बहने लगता है और वो दौड़ने लगती है इधर उधर। You want some chicken? हाँ शारदा के टिफिन में चिकन है। Yes, I want some chicken. मेरे टिफिन में हमेशा चिकन होता है और इनके टिफिन में अच्छी रोटी, सब्जी, दाल, ये प्रॉपर मील खाते हैं और मैं हमेशा ऐसा चीट मील खाती हूँ। जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडियो में बैठे हुए आराम से और बातें चल रही थी बहुत सारा, उनको देख के ये सब देखने के बाद तो लग रहा होगा वहाँ बैठ के वो मिस कर रहे हैं बहुत कुछ। अरे आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि हम यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। कहाँ दिल्ली जाके आप लोगों के साथ वहाँ एंकरिंग करने लग गए, यहाँ आइए हमारे साथ सीन वीन कर दिए, हमारे साथ खाना वाना खाइए। नहीं लेकिन ठीक है, आप वहीं ठीक है, आपको थोड़ा गॉसिप करने की आदत है ना सेट पे, आज अपना सेट करने का गॉसिप का काम आप वहाँ पर कीजिए, हाँ न्यूज़ स्टेशन वालों के साथ। अच्छा अच्छा कैरी ऑन कैरी ऑन, डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग भी कैरी ऑन करिए। और हालांकि अब जो देखने वाले हैं मतलब समझ ही गए होंगे कि कितने मस्ती से और टेस्ट लेके आप खाने वाले हैं। वैसे
देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बड़ा ही एक एक दिलचस्प सीन दिखाने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। अभी अभी शारदा ने मेरी मम्मी के बनाए छोले खाए हैं और उन्हें इतनी मिर्च लग रही है कि उनके कान बंद हो गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत टेस्टी है, बहुत मिर्ची है। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ तो मेरी मम्मी अभी आई हुई है तो रोज़ मुझे बड़े अच्छे अच्छे खाने खाने को मिल रहे हैं। अदरवाइज़ मेरी जो कुक है वो इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, बट माई मॉम इज़ हियर एंड बिल्कुल मारवाड़ी हूँ तो मारवाड़ी टेस्ट आएगा आज खाने में और मज़ा आएगा। आप लोग मज़े लीजिए, अभी हम आप लोग को फ्री कर देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओम प्रकाश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।